अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपके लिए वाउल्स का टॉपिक लेके आई हूँ, लेकिन इससे पहले मैं अपनी पिछली वीडियो को थोड़ा सा रिकॉल कर दूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कॉन्सनेंट्स और वाउल्स का, उसमें वॉइस्ड और अनवॉइस साउंड बताई थी। तो थोड़ा सा एक क्विक सा रिकॉल करते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो लेटर्स जिनकी जब हम उनको प्रोनाउंस करते हैं तो हमारे थ्रोट में वाइब्रेशन होती है, वो वॉइस्ड होते हैं, और जिन लेटर्स को हम प्रोनाउंस करें और उनकी कोई वाइब्रेशन ना हो, जस्ट एक एयर हमारे माउथ से बाहर आए, उसको हम अनवॉइस्ड कहते हैं। वॉइस्ड के एग्जांपल मैं एक आपको देती हूँ, जैसे लेटर बी है, बी की साउंड होती है ब। जब हम बी ब को प्रोनाउंस करते हैं तो वाइब्रेशन फील करते हैं अपने थ्रोट में। एज़ इट इज़ लेटर पी जो है, उसकी लेटर पी की और बी की साउंड सिमिलर लगती हैं, बट डिफरेंस ये है कि बी जो है वो वॉइस्ड है और पी जो है वो अनवॉइस्ड है। जैसे हम पी को प्रोनाउंस करेंगे तो एक एयर हमारे माउथ से आएगी, कोई वाइब्रेशन नहीं होगी, जस्ट लाइक तो एक एयर हमारे माउथ से बाहर आएगी। गाइस, एक और चीज़ आपको बता दूँ कि अल्फ़ाबेट में हमने जो साउंड्स प्रोनाउंस करनी है उनके साथ हमने ए की, ए को ऐड नहीं करना। जैसे कि बी की साउंड ब, सी की ख, डी की ड, इनके साथ ए ऐड नहीं करना, जस्ट लाइक ब ख ड, ये बिल्कुल रॉन्ग साउंड हो जाएगी। सिर्फ दो ऐसे लेटर्स हैं अल्फ़ाबेट में जिनके साथ हम दूसरी साउंड्स को ऐड करते हैं, जिनमें से एक है लेटर क्यू जिसकी साउंड होती है क, उसके साथ हम ए की साउंड को ऐड करते हैं, और एक लेटर है एक्स जिसकी साउंड होती है क्स, जिसमें हम एस की साउंड ऐड करते हैं। चलें गेट बैक टू द मेन टॉपिक। आज का मेन टॉपिक है हमारा वाउल्स। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मैंने वाउल्स लिखे हुए हैं। आप सब कह रहे होंगे पिछली वीडियो में तो मैंने आपको बताया 5 वाउल्स होते हैं, ये वाई क्यों साथ लिख दिया, तो आज मैं आपको बताऊँगी बेसिक हमारे वाउल्स 5 ही हैं, ए ई आई ओ और यू। लेकिन ये जो लेटर वाई है ये एक्सक्यूज मी, ये कॉन्सनेंट और वाउल दोनों तरह से एक्ट करता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये कॉन्सनेंट कब बनता है और वाउल कब बनता है। जब भी ये लेटर वाई जो है ये किसी भी वर्ड के एंड पे आता है तो ये वाउल की तरह एक्ट करता है, जस्ट लाइक इन हैप्पी, हैप्पी में वाई जो है वो वाउल की साउंड निकाल रहा है, ह ए प ई, एंड पे ई की साउंड आ रही है वाइज ई, जो कि एक वाउल साउंड है। बट इन येलो, इन येलो वाई जो है वो अपनी य साउंड निकाल रहा है जो कि उसकी कॉन्सोनेंट साउंड है, और यहाँ पे ये कॉन्सोनेंट की तरह एक कर रहा है। ये तो होगी वाई की स्टोरी। अब आते हैं वाउल्स पे। तो व्यूवर्स, वाउल्स जो है वो हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होते हैं लॉन्ग वाउल्स और एक होते हैं शॉर्ट वाउल्स। अब ये लॉन्ग वाउल्स क्या हैं? लॉन्ग वाउल्स एज सच कोई इतना वो टेक्निक नहीं है। लॉन्ग वाउल्स एक्चुअली में जो लेटर नेम हैं उनकी उनको कहते हैं, जस्ट लाइक ए ई आई ओ यू, ये हमारे लॉन्ग वाउल्स हैं। अब शॉर्ट वाउल्स क्या होते हैं? शॉर्ट वाउल्स होते हैं इनकी जो साउंड्स हैं उनको हम शॉर्ट वाउल्स कहते हैं। जैसे ए की साउंड ए, ई की साउंड ए, आई की साउंड ई, ओ की साउंड ओ और यू की साउंड अ, तो ये हो गए हमारे शॉर्ट वाउल। अब ये लॉन्ग और शॉर्ट क्यों ज़रूरी हैं ये मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताऊंगी। जब हम वर्ड्स रीड करते हैं उनमें ये लॉन्ग और शॉर्ट तब ज़्यादा क्लियर होगा कि हमें क्यों ये लॉन्ग और शॉर्ट वाउल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो मेरी नेक्स्ट वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें, ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी ये बातें समझ आ रही हैं और आपको किस चीज़ में कन्फ्यूजन है, ताकि वो मैं आपकी क्यूरीज़ का आंसर कर सकूं। फॉर द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।